एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, आज हम आपको देश के एक ऐसे वीर की कहानी बताएंगे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ना सिर्फ युद्ध लड़ा बल्कि अंग्रेजों को जबरदस्त पटखनी भी दी। ये कहानी है बिहार के सुरमा कहे जाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह की। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने जो कारनामा किया ना, उससे सबके होश उड़ गए थे। 80 साल की उम्र में जब लोग आराम करना पसंद करते हैं, तब कुंवर सिंह युद्ध के मैदान में अंग्रेजों को शानदार तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। ये बात 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की है। जाबाज वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। वो बचपन से ही निशानेबाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखने में ना काफी दिलचस्पी रखते थे, जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली थी। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद दूसरे भारतीय योद्धा वही थे। वो गोरिल्ला युद्ध नीति के भी जानकार थे। इसी नीति के जरिए ना उन्होंने अंग्रेजों को एक बार नहीं बल्कि रण युद्ध में ना कई बार हराया है। भारतीय योद्धा को उनकी बदलती नीति के लिए भी जाना जाता था। 20 अप्रैल 1858 की बात है, अजमगढ़ का युद्ध खत्म करने के बाद ना वो मनोहर गांव पहुंचे। 22 अप्रैल को वो नदी के रास्ते से होते हुए ना जगदीशपुर के लिए निकल गए थे। इस बात की खबर ना जाने अंग्रेजों को कैसे लग चुकी थी। मौका देखते ही अंग्रेजों ने रात में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक गोली कुंवर सिंह के हाथ में जा लगी। गोली से जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए कुंवर ने तलवार से हाथ काट कर नदी में फेंक दिया। उस समय उनके पास ज्यादा सैनिक भी नहीं थे। वो चाहते तो वो जान बचाने के लिए ना युद्ध में हार मान सकते थे, लेकिन वीर कहां रुकने वाले थे। वो अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। उनकी वीरता ने अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार उन्होंने जगदीशपुर को वापस हासिल कर ही लिया। सबके बीच वीर कुंवर की साहसिक जीत के लिए ना खुशी भी थी, लेकिन साथ ही युद्ध में दिए गए उनके बलिदान का गम भी था। और ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं SS राजामौली जी अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानियों की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।